आईटीवी नेटवर्क के कैंपेन स्पेशल एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं राजस्थान और राजस्थान में जानेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव का क्या कुछ माहौल है। जालोर सिरोही लगातार हॉट सीट के नाम जानी जाती है और मेरी मौजूदगी जो है वो इस वक्त जालोर सिरोही में ही है। इस बार जालोर सिरोही में वैभव गहलोत और रुमाराम चौधरी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज जानेंगे कैंपेन ट्रेल के जरिए कि आखिरकार वैभव गहलोत क्या कुछ कर रहे हैं और क्या जालोर सिरोही में उनकी कितनी पकड़ बन पाती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले फेज में वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें बची हुई 13 सीटों पर टिकी हुई हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान होना है। इन 13 सीटों में से जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वह जालोर सिरोही लोकसभा सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार लुमराम चौधरी से है। 2004 से 2024 तक कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीत हासिल नहीं करती आई है, लेकिन बीजेपी लगातार जीतती आई है। लेकिन इस बार वैभव गहलोत इस सीट को बीजेपी से छीनकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालना चाहते हैं। जालोर की बात करें तो जालोर राजस्थान का ऐतिहासिक शहर माना जाता है। प्राचीन काल में ये जबलपुर के नाम से प्रसिद्ध था। पश्चिम राजस्थान में चित्तौड़गढ़ रियासत के बाद जालोर रियासत का नाम सबसे तेजी में जाना जाता था। आज जालोर स्वर्ण नगरी और ग्रेनेट सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। खड़ी पहाड़ी पे बना जालोर किला भारत के प्रसिद्ध किलों में से एक है। जालोर के पास स्वर्ण नगरी पहाड़ी पर स्थित श्री स्वर्णगिरी तीर्थ जैनिये का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। जालोर सिरोही लोकसभा मारवाड़ से सटा हुआ क्षेत्र है। इसकी सीमाएं गुजरात से लगी हुई हैं। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें जालोर की 5 और सिरोही की 3 विधानसभा सीट शामिल है। इस सीट को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बहुल्य कहा जाता है। 2009 से परिसीमन के बाद इस सीट को सामान्य सीट का दर्जा दिया गया। उससे पहले एससी के लिए रिजर्व सीट मानी जाती थी। यहाँ पे शहरी आबादी की बात करें तो 12.5% यहाँ पे शहरी आबादी है। ग्रामीण आबादी की बात करें तो 87.5% यहाँ पर ग्रामीण आबादी है। एससी 19.7% है, एसटी 15.8% है और मुस्लिम 9.7% है। राजपूत बैमिये की आबादी करीब 1,70,000 से भी अधिक है। यहाँ के कुल मतदाताओं की बात करें तो करीब 20,000 से अधिक मतदाता जालोर सिरोही में जुट है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव में 65.74% लोगों ने यहाँ पर मतदान किया था। अब वैभव गहलोत की बात करें तो वैभव गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से पढ़ाई के बाद वैभव गहलोत ने आरपीएल लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की। वैभव गहलोत करीब 2 दशक से कांग्रेस की पार्टी से राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि 2019 में वैभव गहलोत के हिस्से में हार आई थी और गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर के लोगों ने स्वीकार किया था। 2019 से वो लगातार 2 बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी साल 24 फरवरी को सत्ता परिवर्तन होने के बाद उन्होंने आरसीए के पद से इस्तीफा दिया। दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे वैभव गहलोत अपने लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वादों को और किस तरह से वो अपने क्षेत्र में आने वाले 5 साल में क्या कुछ काम करेंगे, क्या कुछ नया विजन लेके आएंगे, उस बात का जिक्र कर रहे हैं। आईटीवी नेटवर्क की वोट यात्रा में हम उनके साथ उनके काफिले के साथ गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जालोर सिरोही में मेरी मौजूदगी है इस वक्त वैभव गहलोत के साथ बातचीत करने के लिए। आप लगातार सुबह से देख रही हूँ मैं, जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं और आप लोगों से किस तरह के वादे कर रहे हैं इस बार? देखिए, फीडबैक है कि भाजपा ने यहाँ 20 साल में धकेल दिया जालोर सिरोही को। ये एक सीधा सा फीडबैक मिल रहा है और जनता मानस बना चुकी है कि इस 20 साल के इस चक्र से बाहर आना और कांग्रेस को आशीर्वाद देना। जो मोटी बात है कि यहाँ पे रेलगाड़ियों का नेटवर्क की लंबे समय से मार चल रही है, बल्कि यही नहीं बल्कि जो प्रवासी यहाँ बाहर रहते हैं, इस क्षेत्र के हर दूसरे घर में बेटा भाई बाहर काम धंधे के लिए गया हुआ है, उन सबकी मांगे, उनके परिवार वालों की मांगे, कम से कम रेलगाड़ी तो 15-20 साल में कोई चालू होती है यहाँ पे। दूसरी बात है पानी की समस्या है, तो उसके ऊपर पूरी हमारी कोशिश रहेगी।
साथ ही यहाँ पे चाहे ग्रेनाइट का उद्योग हो, दूसरे उद्योग धंधे पनपे, उस बारे में हमारा पूरी कोशिश रहेगी। 26 तारीख को जब मतदान होगा, आप अश्योर हैं इस चीज को लेकर कि लोग कांग्रेस पार्टी को और वैभव गहलोत को वोट देने वाले? बिल्कुल 100% अश्योर हूँ कि जालौर सिरोही में जो मैं घूमा हूँ, जिस तरह से लोग यहाँ त्रस्त हो गए हैं 20 साल भाजपा के सांसद, उन्होंने मन बना लिया है, एक तरह से सेंटिमेंट आ चुका है कि हमें इस 20 साल के चक्र से बाहर आना है भाजपा के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे बड़ा दावा वैभव गहलोत की ओर से किया जा रहा है कि जब 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतिहास लिखा जाएगा और जालौर सिरोही के लोग जो है कांग्रेस को वोट देंगे। वोट यात्रा में हम भी उनके काफिले के साथ गांव-गांव घूमते हुए रेवदर के दादाराई की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमें भेड़ों के लिए जाते चरवाहे दिखे तो हम रुके और उनसे बात करने की हमने कोशिश की। चाचा क्या नाम है? गणेश। गणेश गणेश, अच्छा ये बताइए इस बार क्या माहौल है चुनाव का? क्या चुनाव का क्या माहौल है इस बार? ये भीड़ ज्यादा है, किसको वोट देंगे? ये दूध पिला दे रही, क्या करें? विकास हुआ है, कोई काम धाम हुआ है यहाँ पे? आप बोल रहे हैं मतलब मालूम नहीं पड़ती मैडम जी, हिंदी नहीं आती? नहीं आती है। नहीं आती? अच्छा ये तो बताओ वोट किसको दोगे? वोट कहाँ नहीं पड़ता है, मालूम नहीं पड़ता। कांग्रेस से काम किए? हाँ कांग्रेस से काम किए। और बीजेपी ने? बीजेपी एन शायद। गणेश खुलकर कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। खैर हम फिर से वैभव गहलोत के साथ आगे बढ़े और हम अगले गांव पहुंचे। इस बीच रास्ते में वैभव गहलोत और उनके पिता अशोक गहलोत के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग देखने को मिले। दाताराई में वैभव गहलोत के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद वह जनसभा को संबोधित करने के लिए गए। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए वैभव गहलोत ने तमाम बातों का उल्लेख भी किया। अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए दादाराई से हम वैभव गहलोत के साथ निकले। जब हमने देखा कि वो अगले गांव की ओर गए तो वहां पर उन्होंने श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वह लोगों से मिलते जुलते पैदल जनसभा में पहुंचे। उन्हें सुनने के लिए वहां गांव के तमाम महिलाएं, पुरुष और नौजवान बच्चे मौजूद थे। दाताराई गाँव से वैभव गहलोत के साथ हम अगले पड़ाव की ओर निकले। सुबह से अपनी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार अभियान में वैभव गहलोत की ओर से तमाम वादे किए जा रहे हैं। वह घूम घूम कर गाँव में चुनावी प्रचार लगातार कर रहे हैं। उनका शेड्यूल काफी बिजी था लेकिन हमने उनसे खास बातचीत की और जाना कि आखिरकार अगर जालौर सिरोही की जनता उनको स्वीकार करती है और वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो आने वाले 5 साल में वो क्या कुछ करेंगे अपनी इस लोकसभा क्षेत्र के लिए। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको, और पहला सवाल यही है जालौर सिरोही से आपने चुनाव लड़ने का इस बार ठाना। आपके सामने नवाराम चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आपके लिए ये हॉट सीट कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या आपको लगता है कि इस हॉट सीट में इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता खुलेगा? बिल्कुल ये खाता खुलने वाला है इस हॉट सीट पे कांग्रेस पार्टी का। जालौर सिरोही पिछले 20 साल से यहाँ से लगातार भाजपा के सांसद रहे, आप खुद हालात देख रहे हो, कोई ऐसा काम वो अपने खाते में नहीं गिना सकते और 20 साल कोई कम समय नहीं होता। 20 साल मतलब 2 दशक से यहाँ पे भाजपा के सांसद हैं और रिजल्ट उनका 0 है। मेरा मानना है और जो जनता ने जिस तरह से एक बार ठान लिया है जालौर सिरोही भाजपा के सांसद को हटा के इस बार कांग्रेस को आशीर्वाद देने वाला है। ठीक है, हम जालौर सिरोही में इस वक्त मौजूद हैं, आप लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जालौर सिरोही में एक रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है वो अधिकतर देखने को मिली है, जो हाईवे की प्रॉब्लम है। इसके अलावा तमाम ऐसी और भी समस्याएं हैं। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो पहला एक विजन डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो क्या रहेगा आने वाले 5 साल में? आप कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो ऑलरेडी जनता के बीच में कर रही है और आगे करेंगे उसके बारे में? जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे रोड नेटवर्क की कमी रही है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहा है मारवाड़ का, ये दोनों जो ज़िले हैं और साथ में अभी तीसरा ज़िला और मिल गया साँचों, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहा है मारवाड़ का, मगर जिस तरीके से 20 सालों में ये पिछड़ता गया, 20 साल मैं मानता हूँ कि एक तरीके से यहाँ की क्षेत्र की जनता है, चाहे प्रवासी भाई हैं यहाँ जो बाहर रहते हैं, उन सब के मन में पीड़ा रही कि हमारा 20 साल हमारा जालौर से पिछड़ता चला गया। जहाँ तक आपने बात की सड़क की, नेशनल हाईवे की मांग यहाँ पे जालौर सिरोही दोनों जिला मुख्यालय को जोड़ने से, जो दिल्ली की सरकार को देनी थी जब सांसद भाजपा के थे यहाँ पे, यहाँ दिल्ली
में सरकार भाजपा की है, तो कम से कम ये नेशनल हाईवे तो बनना चाहिए था जालौर रोसड़ोई के बीच में। तो इस तरीके से चाहे अपन रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात यहाँ पे रहती है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ के हर दूसरे तीसरे घर में बेटा भाई काम धंधे के लिए रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों में जाके रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए अपने गाँव को छोड़ के, चाहे आप बेंगलोर देख लें, हैदराबाद देख लें, और वहाँ भी हमने इन सब प्रवासी जो हैं भाई बंधु उनसे जाके हमने सम्मेलनों में मुलाकातें भी करी, हम सब कांग्रेस के तमाम नेताओं में उनके मन में भी पीड़ा इस तरह से है कि कम से कम हम हमारे गांव, हम हमारे कार्यस्थल पे जब भी आते हैं तो दो दो ढाई ढाई दिन लगते हैं, रेल कनेक्टिविटी नहीं, जबकि 15 साल से जो सांसद हैं, साथ में 5 साल उनसे पूर्व के जो भाजपा सांसद हैं, उन्होंने कभी इस क्षेत्र में रेलगाड़ी के विस्तार की में वो सफल नहीं हुए, उन्होंने इस दिशा में कोई काम करके नहीं दिखाया जनता। तो ये इस क्षेत्र की जनता के साथ साथ जो इतना बड़ा प्रवासी वर्ग है इस क्षेत्र में जो बाहर रह रहा है उसके मन में भी इसी तरह की पीड़ा है। हवाई सेवा की बात करें तो आबू रोड में हवाई पट्टी है, और हमारे कांग्रेस के सांसद राज्यसभा में हैं, उन्होंने तो फिर भी मांग उठाई, मगर भाजपा सांसद ने अपने खुद के लोकसभा क्षेत्र के लिए कभी ये मांग नहीं बोली कि यहाँ पे हवाई कनेक्टिविटी भी जोड़ी जाए सिरोही पर। तो तमाम चीज़ें राजस्थान की बात करें तो 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में, आप कितनी लोकसभा सीटें एक्सपेक्ट करते हैं इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में आएंगी राजस्थान को लेकर? अच्छा प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस का रास्ते, लड़ रही है कांग्रेस? बिल्कुल लड़ रही है। क्या मुद्दे लेकर लड़ रही है कांग्रेस? मुद्दे लेकर लड़ रही है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई है 3-3.5 महीने में, अभी तक तो काम चालू ही नहीं हुआ कुछ भाजपा का सरकार का, और मुद्दे लेके लड़ रही है कि जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उन योजनाओं को कम किया जा रहा है, चाहे अन्नपूर्णा राशन किट की बात कर लें, आज उसमें से राशन गायब है, केवल खाली थैला पकड़ा रहा है। तो ये सब चीज़ें जनता समझ रही है और इन मुद्दों में कांग्रेस लड़ रही है। ठीक है, आपने योजनाओं की बात की, हमने विधानसभा चुनाव में देखा था लगातार आपकी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी की तमाम योजनाएं, चिरंजीवी योजना, ये ऐसी योजना थी जो कि राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश भर में विदेशों में भी इसकी बहुत चर्चा थी। चिरंजीवी योजना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद उस योजना का एक इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो गया। हालांकि आप लोग इतनी योजना लेके आए, आप लोगों ने चिरंजीवी योजना की, महंगाई राहत कैंप स्टार्ट किया, उसके बाद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। लोकसभा में क्या आपको लगता है कि जो आंकड़ा अब तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आया वो आंकड़ा इस बार राजस्थान में हमें देखने को मिलेगा? नहीं बिल्कुल, आप जैसे खुद कह रहे हैं चिरंजीवी जो बीमा योजना थी उसकी तारीफ पूरे देश में रही और विदेशों तक में इस योजनाओं की तारीफ रही कि ऐसी एक योजना आई है राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा। और चाहे आप दूसरी भी जो योजनाओं की बात करें, चाहे अन्नपूर्णा राशन किट है, और चाहे गायों की सेवा के लिए जो काम किया कांग्रेस की सरकार ने, एक मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी काम थे ये सभी। ठीक है, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, चुनाव में कई अलग फैक्टर्स हो जाते हैं, मगर जो लोकसभा चुनाव है इसमें जनता को ये अभी से डर सता रहा है इन 3-3.5 महीनों में कि आने वाले समय में अब गरीब के घर अगर राशन जा रहा है किसी योजना के तहत तो बीजेपी को क्या तकलीफ है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जहाँ देखो पिछले 3 महीने में सुनने को मिल रहा है कि पूरे तरीके से इलाज नहीं हो रहा, पैसे की कमी क्या करी जा रही है इलाज में। मैं कई जगह गया, पेंशन योजना भी कांग्रेस की आदरणीय गहलोत साहब की जब उनका दूसरा कार्यकाल था तब की योजना है, बुजुर्गों की पेंशन है, आज किसी को 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, किसी को 3 महीने से मिल रही। तो ये बातों का रिएक्शन जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके बड़ी दिलचस्प देखने को मिल रही है। जब से आपने जालौर सिरोही से टिकट लिया है बीजेपी इस बात का एलिगेशन भी लगाती है और बार बार आरोप लगाती है कि आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं इसीलिए आपको टिकट दिया गया, और पैरवी भी इस बात पर की गई, और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पैरवी आपके नाम पर करते आए हैं और उन्हीं के कहने पे आपको टिकट दिया गया, ये आरोप बीजेपी का है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ का जवाब कोई 17 साल से पब्लिक लाइफ में एक्टिव हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैंने 10 साल पार्टी में काम किया बिना किसी पद के, मुझे भी पद मिला 10 साल काम करने के बाद, और ये ऑन रिकॉर्डेड है, चाहे आपके अखबार की कटिंग्स है मेरे पास, मैंने चाहे धरने प्रदर्शन हो पार्टी, जब से मैं कॉलेज मैंने पूरा किया, मैंने जयपुर में और प्रदेश कांग्रेस ने मुझे जहाँ जहाँ चाहे चुनाव में भेजा, नगर निगम चुनाव में, जोधपुर में, तो क्या मैं 17 साल से काम नहीं कर रहा था पार्टी के लिए? मैं आपको आज एक उस जमाने का जब मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया बिना पद के, एज अ
यूथ कांग्रेस वर्कर काम किया तब हमारे को लाठीचार्ज हुआ भाजपा राज में 2005 12 अप्रैल की फ्रंट पेज की न्यूज़ है। तो क्या मैंने पार्टी के लिए काम नहीं किया? 2005 से भी हम संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो एलिगेशंस होते हैं, अगर काम नहीं किया होता और सीधा मैं कहीं विदेश जाके कोई नौकरी छोड़ के सीधा आके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़ के सीधा आके यहाँ पे पैराशूट से जैसा आया होता तो बात अलग। पर जब मैंने 17 साल पार्टी में काम किया है, चाहे 2009 के विधानसभा चुनाव हों, 8 के, चाहे 2003 के हैं नगर निगम चुनाव, 2004 में जोधपुर में मैंने 22 दिन पार्टी के लिए प्रचार किया है, तो ये सब तमाम चीज़ें मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। जो भाजपा वाले कह रहे हैं कोई भी आ जाए और ओपन डिस्कशन मेरे साथ कर ले और मैं मेरे सारे रिकॉर्ड ले आऊँगा और उनके सामने पेश कर दूँगा। वो अखबार तो झुठलाए नहीं जा सकते जो 20 साल पुराने हैं, 17 साल पुराने हैं, उन सब अखबारों की कटिंग्स हैं मेरे पास। जब मैंने धरने में प्रदर्शन में काम किया, पार्टी के लिए रैलियों में गया, पार्टी के लिए विभिन्न चुनावों में प्रचार किया, बिना पद के किया, तो अगर आज अगर मुझे टिकट भी मिल रहा है तो ये बात कहाँ साबित है? क्या आपके सामने बीजेपी से लुबाराम चौधरी जो है वो प्रत्याशी हैं, एक नया चेहरा है, एक नया इंसान है, और बीजेपी में परंपरा रही है कि वो बड़े बड़े चेहरों के टिकट काट कर छोटे इंसानों को प्रोजेक्ट कर देती है। आप लुबाराम चौधरी को अपने आगे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला है, नुकसान भी हो सकता है? देखिए, टक्कर बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसा कहा कि 20 साल का जो एक गड्ढा पड़ गया जालौर सूबे के विकास में, जनता इस बार मान रही है कि इस गड्ढे की भरपाई वैभव गहलोत करेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी वैभव गहलोत करेगा, और उनको ये एक बहुत बड़े एक उम्मीद जगी है कि ये 20 साल का जो ये डेंट पड़ा है भाजपा के लगातार के सांसद होने के बावजूद कोई यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ। मारवाड़ का इतना इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र रहा है, गुजरात की सीमा यहाँ से सट रही है, और चाहते तो जालौर सूबा बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। तो मैं मानता हूँ कि जनता इस बार मानस बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि आपने गुजरात का भी जिक्र किया, जालौर सूबा गुजरात की सीमाओं पर लगा हुआ एक लोकसभा सीट है। आपको नहीं लगता कि लोकसभा में तो पूरे देश के माहौल के ऊपर चुनाव होता है, पूरे देश के माहौल पे कहीं ना कहीं लोग जो है मतदान करते हैं? गुजरात में बीजेपी की सरकार है और बहुत स्ट्रांगली बीजेपी कहती है कि वो हमारा गढ़, उसका प्रभाव राजस्थान पे देखने को नहीं मिलेगा? बिकॉज आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल लगी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने जैसे कहा कि जालौर सिरोही में इस बार मूड बिल्कुल अलग है, जालौर सिरोही और चाहे राजस्थान के हम पूरे ओवरऑल भी बात करें, क्योंकि जनता को अफसोस हो रहा है कि जिस तरह से योजनाएं थी उनको भाजपा की सरकार ने आते ही एक तो कोई नया काम करते हैं और एक काम कर रहे हैं कि पुरानी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम। तो भले ही चाहे जालौर सिरोही की बात हो या ओवरऑल राजस्थान की बात हो, मैं मानता हूँ जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे। दादाराई के बाद वैभव गहलोत की चुनावी यात्रा जिस गांव में पहुंची वहां भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उस गांव में रहने वाले गाँव वासियों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर गांव इस बार गांव के लोगों का क्या कुछ मिजाज है इस चुनाव को लेकर। ये बताइए क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश भारती है। अच्छा प्रकाश जी, बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? यहाँ की जो वास्तविकता है, जो 15 साल से 20 साल से यहाँ का जो लोकल जो सांसद जीता रहे बीजेपी का, उसने यहाँ कोई निगणीय कोई उसका कोई बड़ा कोई इतना रोल नहीं है। जो यहाँ की जो आम जो मजबूरन लेबर वर्ग है उनको कोई बेनिफिट नहीं है, ना किसान वर्ग को बेनिफिट है, ना इन लोगों से हमेशा दूरी बना के रखी है उसने, ना इस क्षेत्र में कोई विकास का काम किया है, ना आम जनता के बीच में रहा है। और हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि जो कांग्रेस हाईकमान ने हमारे लिए भेजे हैं वैभव जी गहलोत को, हमारा इस क्षेत्र के पूरी मतदाता उसके साथ है। और अच्छा, एक बात बताइए, आप वैभव गहलोत की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वैभव गहलोत आएंगे तो काम करवाएंगे, विकास करवाएंगे? हाँ, हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है। आप युवा हो, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार मेघवाल। क्या करते हो? काम कर रहे हैं। क्या काम करते हो? जॉब, मजदूरी। मजदूरी, अच्छा ये बताओ क्या सोचकर इस बार वोट करोगे, कौन कौन से मुद्दे सोचकर वोट करोगे? मुद्दे ऐसे कि सर, जो अशोक जी गहलोत ने वो काम किया था राजस्थान के लिए वो बहुत ही बढ़िया किया था, और अब भी वैभव जी गहलोत आ रहे हैं तो उनको भी हम युवा शक्ति का जोर है उसको भी जिताएंगे और पूर्ण समर्थन करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ से बीजेपी की सीट रही है
देवजी पटेल लगातार सांसद रहे हैं, इस बार लोबाराम चौधरी को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे 400 पार इस बार नंबर जाएगा। तो वो कहने से मैंने कोई नहीं होता, रेवती तहसील में आप बताओ कि क्या लोबाराम ने क्या क्या काम किया है 10 सालों में, क्या आने वाले कई समय से कोई कार्य नहीं हुआ है। इस गांव में हमें कई युवा मिले, कई महिलाएं मिली, कई ऐसे लोग मिले जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं। हमने फर्स्ट टाइम वोटर से भी जानने की कोशिश की कि पहली बार मतदान देने वाला मतदाता क्या कुछ सोचता है इस चुनाव को लेकर। जालौर जिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा एक मेरे साथ फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो भी यहाँ बच्ची मौजूद है। क्या नाम है आपका? लेकिन आप फर्स्ट टाइम वोट कर वैभव की जनसभा में आए हुए कुछ गांव वालों से हमने उनकी राय जानी और जाना कि आखिरकार इस चुनाव में किन किन मुद्दों पे गांव के लोग मतदान करने वाले हैं। चुनावी कैंपेन ट्रेल में आज हम इस वक्त जो है जालौर सिरोही में मौजूद हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से जालौर सिरोही अपने आप में एक हॉट सीट है और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आज हम वैभव गहलोत के कैंपेन ट्रेल में आए हैं और देखने आए हैं कि आखिरकार किस तरह से वैभव गहलोत जो है चुनावी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो है वैभव गहलोत जो है इस वक्त यहाँ पे जालौर सिरोही के गांव में मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जनसंपर्क कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है, तमाम जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए इस वक्त जो है वैभव गहलोत मौजूद हैं। वैभव गहलोत के साथ राज्यसभा सांसद नीरज टांगी जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और स्थानीय जो नेता हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और लगातार जो है हम कैंपेन ट्रेल में ये देखेंगे कि आखिरकार वैभव गहलोत जालौर सिरोही में किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं राजस्थान की 25 सीटों में से जालौर सिरोही सीट अपने आप में महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वोट यात्रा में हमने सुबह से लेकर शाम तक वैभव गहलोत का कैंपेन ट्रेल कवर किया और जानने की कोशिश की कि जालौर सिरोही के मतदाताओं का क्या कुछ मन है और ये भी ढूंढने की कोशिश की कि जालौर सिरोही के जो लोग हैं वो इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में अपना कीमती वोट देने वाले हैं। जालौर सिरोही के कैंपेन ट्रेल में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जालौर सिरोही का मिजाज बना हुआ है, क्या माहौल है और लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वैभव गहलोत जो है यहाँ पे चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क के इस खास इलेक्शन एडिशन को देखते रहिए और इसके अलावा हम इस इलेक्शन एडिशन में और भी ऐसे एपिसोड लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि इस देश में लोकसभा का क्या कुछ